सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी। दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सहिता गुप्ता आप सबको लाइव हिंदुस्तान की तरफ से शरद नवरात्रि अक्टूबर 2018 की बहुत बहुत बधाइयां देती हूँ। आज जो है घट स्थापना का दिन है, प्रतिपदा का पहला दिन है। आज माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी, उससे पहले जो है घट स्थापना की जाएगी। आइए मैं बताने जा रही हूँ घट स्थापना में आपने करना क्या है। संकल्प लेना है और सुबह स्नान करके माँ दुर्गा की मूर्ति या चित्र की पंचोपचार या दक्षोपचार या षोडशो उपचार से गंध पुष्प धी दीपक नैवेद्य निवेदित कर पूजा करें। अपना मुख कोशिश करें कि पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखें। शुद्ध पवित्र आसन ग्रहण करें, हो सके तो ऊंग आसन लें। रुद्राक्ष तुलसी या चंदन की माला से जो मैंने मंत्र बताया है उस मंत्र का 1 से लेकर 5 माला तक जाप करें और पूरे नवरात्रि इस मंत्र का जाप करने से जो है आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और आपके सारे मनोवांछित फल मिलते हैं। आज माँ शैलपुत्री का दिन है। माँ शैलपुत्री के उल्टे हाथ में त्रिशूल है, सीधे हाथ में कमल पुष्प लिया है और बैल इनकी सवारी है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार माँ शैलपुत्री का यह नाम हिमालय की पुत्री होने की वजह से पड़ा था। हिमालय हमारी शक्ति दृढ़ता आधार व स्थिरता का प्रतीक है। माँ शैलपुत्री को अखंड सौभाग्य का प्रतीक भी माना गया है। नवरात्रि के प्रतिदिन जो भी लोग पूजा करते हैं वह अपनी शक्ति मूलाधार में स्थित करते हैं। जो योग करते हैं खासतौर से वे लोग, योग साधना करने के लिए बहुत बढ़िया दिन है। हमारे जीवन में अगर हमें प्रबंधन चाहिए, दृढ़ता चाहिए, स्थिरता चाहिए और आधार चाहिए एक मूलभूत, जिससे कि हम अपने आप को स्ट्रांग बना सकें, किसी भी परिस्थिति में हम विचलित ना हो और हर समस्या को हम सुधारने की कोशिश करें, सुलझाने की कोशिश करें, उनमें हमें अपने स्थायित्व व शक्तिमान होने के लिए माता शैलपुत्री से प्रार्थना करनी चाहिए। इनकी आराधना करने से जीवन में स्थिरता आती है। कोई भी ठोस कदम उठाने से पहले हम डरते नहीं हैं। हिमालय की पुत्री होने के कारण ही माँ जो का जो रूप है प्रकृति स्वरूप है, इसलिए माँ का सरल सौम्य रूप इसमें दिखाई देता है। माँ का सफ़ेद साड़ी में जो वस्त्रों में जो उनका रूप है वो बहुत ही अच्छा है। स्त्रियों के लिए उनकी पूजा करना श्रेष्ठ और मंगलकारी है। माँ शैलपुत्री की पूजा करने के लिए आपको करना क्या, उससे पहले आपने करना क्या, एक लाल कपड़े में जो है 11 कौड़ियाँ लेनी है और 3 गोमती चक्र लेने हैं। उन गोमती चक्रों पे जो है आपने पीले रंग के हल्दी जो है उससे जो है छींटा लगाना है या उन पर टीका लगाना है और माता के पूजन के साथ उस पर हल्दी से तिलक करके उसे पूजा घर में रख दें। नवमी को हवन करके कन्याओं का विदा करने के बाद, उनका पूजन करने के बाद, उन्हें प्रसाद देने के बाद जो है इसी लाल कपड़े को बांध करके जो सामान है गोमती चक्र और कौड़ियाँ उनको बांध करके घर की रसोई में उत्तर दिशा में ऊंचाई पे बांध दें या अपने ऑफिस में उसको बांध दें। उसके बाद आपके इससे आपके घर में सदैव लक्ष्मी का वास रहेगा और माता को घी का भोग लगाएं तथा उसका दान घी का दान भी करें। इस उपाय से सारे रोगों और कष्टों का भी मुक्ति मिलती है और शरीर जो है निरोगी व स्वस्थ रहता है। सफ़ेद व पीले रंग का फूल व मिठाई का इस्तेमाल करें माँ के भोग में और श्रृंगार में और माँ शैलपुत्री आपको अपने हर रूप में आकर के आपको जो है आशीर्वाद देगी और माँ का जो दिव्य रूप है आपका आप पर पूरी कृपा करेगा। दोस्तों, जय माता दी।